कांग्रेस ने हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों में भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार में हुए घोटालों को उजागर करते हुए रोष जताया है। आपको बता दें कि अलग अलग जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता शराब गड़बड़ी, रजिस्ट्री घोटाला और चावल घोटाले को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। करनाल में भी आज शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। कार्यकर्ताओं ने बारिश होने के बावजूद भी प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए भाजपा सरकार के घोटालों को बताया। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय में पहुंचे, यहां भी उन्होंने जमकर नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने राज्यपाल के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। यहां बता दें कि शराब गड़बड़ी को लेकर एसीटी की रिपोर्ट आने के बाद जहां उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री आमने सामने हो गए हैं, वहीं अब विपक्ष भी शांत होता नहीं नजर आ रहा। प्रदेश के अलग अलग जिलों में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ हमला बोला। बरसात के बावजूद कार्यकर्ता पहुंचे और शराब गड़बड़ी, रजिस्ट्री घोटाला और चावल घोटाले को लेकर मुखर होकर अपनी बात रखी। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और एडीसी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेस विधायक का कहना है कि शराब गड़बड़ी की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से होनी चाहिए। यहां यह भी बताते चले कि शराब गड़बड़ी में पहले से जांच हुई, फिर उसी एसीटी की रिपोर्ट पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सवाल उठाए। बहरहाल तमाम गड़बड़ी और घोटालों को लेकर सरकार की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि आने वाले समय में मानसून सत्र है और विपक्ष ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाएगा। देखिए करनाल से समाचार एक्सप्रेस की है रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के ऑफिस के अधिकारी 100% शामिल हैं। अगर ईमानदार सरकार है और ईमानदार दिखाई भी देनी चाहिए, और उसके लिए हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए और खुफिया विभाग की भी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने समय रहते रिपोर्ट क्यों नहीं दी, किसके कहने से वो रिपोर्ट छिपाई गई। तो मेरे को लगता है जो खुफिया विभाग का अफसर 31 जुलाई को रिटायर हुआ है, उसको सीएम विंडो का दोबारा से बहुत बड़ा ऑफिस देके प्रॉफिट देने के लिए कहीं वो शराब घोटाले के रिवार्ड तो नहीं है। आप समझिए मेरी बात। ऐसे ऐसे जब ये प्रदेश कांग्रेस के दिशा निर्देश अनुसार था, जब जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी समिति है इस मुद्दे पर बात उठानी चाहिए, हमारे को निर्देश देते हैं, हम उसके बाद उठाते हैं। लेकिन मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपका सिपाही करनाल की आवाज में उठाता रहता हूं, विधानसभा की भी, करनाल जिले की भी आवाज उठाता रहता हूं। और हर कांग्रेसजन आवाज उठाने के लायक सक्षम है, आवाज उठा रहे हैं। लेकिन कभी कोई मुद्दा हमारे से छूता रहा जो लग पाता, लेकिन हम हर मुद्दे पे आवाज उठाते हैं, क्योंकि उपाय जो हमारे मुख्यमंत्री मुद्दे हैं उन्होंने करनाल से लक्ष्य लड़ा है। करनाल क्राइम सिटी बन चुका है, स्मार्ट सिटी कागजों में दफन हो चुकी है, बरसात हो रही है, अब शहर का चक्कर लगा देख सकते हो, पानी की निकासी नहीं हो रही है। ये अपने शिव कॉलोनी से है, इनकी गली में पिछले एक महीने से लगातार हम शिकायत कर रहे हैं। सुभाष जी है, इनकी गली के अंदर सीवरेज बंद है, 8-8 फुट 6-6 फुट पानी है। ये अब आपके बीच में आए हैं, अब मैं चाहूंगा आप करनाल के हित के लिए 2 मिनट इनसे भी चुप बात करें। स्पीकर हरियाणा, क्यों आज हरियाणा को की आवाज को बुलंद करने की आवश्यकता पड़ रही है? आप सब लोग जानते हैं पिछले 4 महीने से जब से लॉकडाउन इस पैंडेमिक की वजह से लगा है, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार ने जिस प्रकार से घोटाले पिछले 4 महीने में करे हैं, चाहे वो शराब घोटाला हो, एक्साइज ड्यूटी की भारी मात्रा में चोरी और सरकारी खजाने को चोट पिछले 4 महीने में इस घोटाले के माध्यम से पहुंचाई। अगर मैं बात करूं तहसील का घोटाला, वो सबसे बड़ा घोटाला, अनऑथराइज रजिस्ट्रियां करके जिस प्रकार से भारी लूट पूरे हरियाणा के अंदर की गई है, और खास तौर पे सीएम सिटी करनाल की मैं बात करूं कि भ्रष्टाचार का अड्डा जो है ये करनाल की तहसील बन चुकी है। आज आवश्यकता है लोगों को जागने की, खड़ा होने की, और इस भ्रष्ट बीजेपी और जेजेपी सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद करने की। तो आज आप लोगों के माध्यम से हम
प्रदेश की जनता को ये आह्वान करना चाहते हैं कि वो जागे, उठें और इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें और जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लें। ये इस एजेंडे के तहत आज हमने डिप्टी कमिश्नर करनाल के माध्यम से ज्ञापन हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से माननीय गवर्नर साहब और उच्च पदाधिकारियों को भेजने का काम किया। इसके लिए कोई ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।